तिलक लगा के मिट्टी का तू बाजी आज लगा ले। ओ तिलक लगा के मिट्टी का तू बाजी आज लगा ले। तुझ में जो चिंगारी है उस शोला आज बना ले। जान लगा के खेल खिलाड़ी, ओ जान लगा के खेल खिलाड़ी, साथ हमेशा स्पोर्ट्स इंडी। शान बढ़ा तू रहे अगाड़ी, जीत की भाषा स्पोर्ट्स इंडी। Welcome back to the Sports India Presents World of Sports produced by Niti Group. So people, हम अब वापस आ चुके हैं हमारे next episode के साथ। हम जो हमारी नई audience है उनको मैं बता दूं that हम sports के ऊपर हम series बनाते हैं जहाँ पे हम different career options भी देते हैं। अभी फिलहाल जो हमारी series चल रही है वो sports journalist के ऊपर है। हम नए नए हमारे guest को बुलाते हैं, उनसे experience लेते हैं और वो हम आप तक पहुंचाता है। तो आज हमारे सबसे स्पेशल गेस्ट आए हैं। जैसे आप लोगों ने अगर जो हमारी पुरानी ऑडियंस होगी उनको पता ही होगा दैट हम पास्ट सीरीज में जर्नलिस्ट को बुला रहे हैं। आज हमारे साथ जर्नलिस्ट तो है पर साथ में वो सिर्फ रिपोर्टर नहीं है बट असिस्टेंट एडिटर भी है, मिस्टर महेश विचारे, असिस्टेंट एडिटर न्यूज धन का, स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर नव शक्ति लोक सत्ता NMT। हेलो सर। नमस्कार। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर दैट यू आर योर एंड आई वेलकम यू। एंड विथ यू बिफोर आई स्टार्ट आई लाइक टू इनवाइट मिस सुप्रिया बड़वे मैम, फाउंडर एंड सीईओ स्पोर्ट्स इंडी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बड़वे ग्रुप। हेलो। हेलो मैम। हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। एंड मैम बिफोर वी स्टार्ट द प्रोटोकॉल वाइज प्लीज वेलकम सर फ्रॉम योर साइड। Yeah, so very warm welcome to you, Mahesh ji, on this platform of Sports India. And at Sports India, we are focusing on building sports ecosystem. It's not related to only sports person, but at Sports India, what we look at is to build a sports ecosystem. And I feel for developing one sports person or sports player, what are the other components that are required? Maybe I always comment on that is like suppose a good dietitian, a nutritionist, a manager, a good journalist, a good psychologist, a good mentor, coach. These are all very necessary and important factor for sports ecosystem. And last few decades, there was much focus on these factors as a sports industry, because with implementation or with coming of IPL and Pro Kabaddi, there is lot of importance is given for making this sports very popular and how we can add more glamour to this sports. So with this glamour, this all other factors came into existence, and yes, that's why it has a very important role for as a journalist, how they can play. A journalist can make means whatever someone is performing, if appreciation is received from any kind of media, that gives some different dimension to the personality of that respective sports person. So for us, journalism is the most important pillar of sports industry. And I on behalf of Sports India, I warm welcome to you. And we are really eager to listen from you. So over to you, Vishal. Thank you so much. थैंक यू मैम। और महेश सर, मैं यही बोलना चाहूंगा जो भी हम सीरीज ला रहे हैं, इट इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ मैम, दैट मैम की ऐसी थिंकिंग है दैट हमारी यूथ को भी पता चलना चाहिए जो खेल के बारे में शायद लोगों को नहीं भी पता होगा। मैम इज फोकसिंग ऑन दैट एज एन एंकर ऑल्सो। आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस सीरीज जितने भी मैं होस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स के बारे में मुझे भी उतना नॉलेज आते जा रहा है।
तो सर मेरा पहला सवाल आपको यही रहेगा, जैसे मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था, जब मुझे जो भी क्वेश्चंस माइंड में आ रहे थे, तो मेरा पहला सवाल था, आपको 25 years हो गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन द फील्ड। सर हाउ डू यू बिकम अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट? लाइक वो 25 साल आपने तो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस देखा है, सो तब भी, मतलब आपके टाइम पे, जब 25 साल पहले, जब आज भी इतने लोगों को नहीं पता इसके बारे में। जर्नलिज्म लोग समझते हैं दैट जो हम न्यूज में देखते हैं, क्राइम, पॉलिटिकल, या डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज होती है, पर एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी एक जर्नलिज्म होता है, एंड आपको उसमें 25 साल हुए। सर हाउ डिड यू स्टार्ट फ्रॉम दैट? देखिए कि 25 साल होना ये तो एक अपने आप में बड़ी बात होती है, लेकिन आप उस 25 सालों में क्या करते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मुझे मैंने बहुत अनुभव लिया है 25 सालों में। ये एक्चुअली जर्नलिज्म में आने का जो मेरा एक मेरी सोच थी वो इसलिए थी क्योंकि ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं था मैं जर्नलिस्ट बनूंगा, लेकिन एक मेरा कॉलेज का पूरा एजुकेशन जो है वो खत्म होने के बाद एक जर्नलिज्म का कोर्स मैंने किया, और उसके बाद फिर मैं ज्वाइन हो गया नवशक्ति में, जो भी आपने जिक्र किया था शुरुआत शुरू में, ये नवशक्ति, महाराष्ट्र टाइम्स और लोकसत्ता, इन तीन पेपर्स में मैंने काम किया है। तो मैंने शुरुआत नवशक्ति से की। जब वहाँ पे ज्वाइन हो गया तो अलग-अलग, शुरुआत में तो हर किसी सब्जेक्ट पर आपको काम करना पड़ता है, जूनियर था मैं तभी, तो हर किसी सब्जेक्ट में थोड़ा-थोड़ा योगदान देना पड़ रहा था। तो वहाँ पे एक जरूरत आन पड़ी थी कि स्पोर्ट्स के लिए एक वैकेंसी थी, और वैसे पसंद करता था मैं स्पोर्ट्स, खेला नहीं हूँ मैं कहीं कहीं बड़ा जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे खेलते हैं लोग उसी तरह से खेला नहीं हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स पसंद करता था, देखा करता था। लोकल लेवल पे जो क्रिकेट होता है वो तो सभी लोग खेलते हैं, उसी तरह से खेला करता था, लेकिन टीवी पे बैडमिंटन देखना, फुटबॉल देखना, क्रिकेट के मैचेस देखना, ये सब शुरू था। तो स्पोर्ट्स के तरफ एक तरह का लगाव भी था, तो भी सोच ले कि स्पोर्ट्स कर लेते। फिर स्पोर्ट्स में शुरुआत हो गई। आपको पता है कि जो प्रादेशिक भाषाएं होती है, जैसे कि मराठी हो या उस प्रदेश की भाषा, तो उसमें एक आपको करना पड़ता है वो है कि इंग्लिश टू मराठी ट्रांसलेशन जो होता है करना बहुत जरूरी होता है। तो फिर वैसे शुरुआत हो गई, पहले इंग्लिश में जो न्यूज़ आया करती थी एजेंसी पे स्पोर्ट्स की न्यूज़, वो ट्रांसलेट करना और लोगों के लिए वो पेज पे उसको सजा देना और लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा काम हुआ करता था। तो इस तरह से भी शुरुआत हो गई नवशक्ति से। उसके बाद मैंने लोकसत्ता ज्वाइन किया, वहाँ पे लगभग 11 से 12 साल मैंने स्पोर्ट्स रिपोर्टर के तौर पे काम किया, और बाद में अभी फिलहाल मैं न्यूज डंका में हूँ, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र टाइम्स में था, वहाँ पे मैंने 10 साल काम किया स्पोर्ट्स रिपोर्टर के तौर पे। और इस तरह से मेरी शुरुआत हो गई, ये सफर शुरू हुआ था स्पोर्ट्स का। अलग अलग मैचेस कवर करने का मौका मिला, अलग अलग स्पोर्ट्स पर्सन से मिलने का मौका मिला, और भी कई घटनाएं इस दरमियान 25 सालों में हो गई। उनका एक कह सकते हैं कि एक विटनेस के तौर पे मुझे मैंने वो अनुभव भी लिया। तो इस तरह से 25 सालों का सफर रहा। तो एक एक कह सकते कि एक्सीडेंट के तौर पे ही मैं जर्नलिस्ट बना, लेकिन फिर भी बाद में मैंने स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरफ अपना लगाव रखा, और 25 साल मैंने स्पोर्ट्स से किया। सर तो मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है दैट आपने इतना सब बोला है, तो बहुत कुछ आज जानने मिलने वाला है। सर मैं आप पे वापस मैं आऊंगा, बट मुझे उसके पहले मैम से एक सवाल आया है। मैम लाइक फ्रॉम लाइक पास्ट सीरीज आई एम सीइंग दैट वी आर फोकसिंग ऑन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, एंड स्पोर्ट्स से थोड़ा डिफरेंट टॉपिक हमने लाया है। मैम इन जनरल आज स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एक ऐसा भी नहीं है कि नहीं सुना है, बट व्हाट डू यू थिंक दैट आज जिनको वहां पे दे वांट टू अप्लाई देयर और यू वांट टू मेक अ करियर आउट ऑफ इट, देयर आर चांसेस फॉर देम? लाइक वो कंपटीशन वाइज हाउ डू यू थिंक दैट पीपल कैन मेक अ करियर आउट ऑफ इट सक्सेसफुली इफ दे आर इंटरेस्टेड इन दैट? Yeah, I thanks special for this question, but yes, I think there is on sports indeed, this platform world of sports, we always have given importance not only to arrange some
interviews related to sports and sports factors, but we our more focus we have always kept on how we can have discussion about career in sports, opportunities in sports ecosystem. So yes, I think sports journalism is a very important area and it's growing nowadays. Mahesh is there now. He has just mentioned about sports journalism, and more he will share his thoughts also. But I really feel, we always just, since long, even childhood, we are listening and about the unsung heroes. So and even picking or choosing diamonds from various areas. So I think that's picking those diamonds or unsung heroes, and then whatever they have achieved, and to bring whatever their achievements to the society. I think this is the main focus area for all journalists. And I feel sometimes maybe that particular emerging player may be facing some challenges, maybe on the front of health or maybe on the front of some financial help, something like that. So I think whatever is this that support is required, many of the times I am feeling that after, say, bringing those aspects of that particular sports player to the society on any kind of media, maybe it's maybe a print media or digital media, those people start getting some kind of help. Now social media is also there, fortunately. But I feel that's why sports journalist plays a very bigger role. And maybe over the years, what we have identified that there is a lot of talent available in rural areas. And generally, we as a society have some misconception that we always think, you know, urban areas or urban people or urban players will exceed something. But we have experienced a lot of years that yes, there is talent, and I think in rural areas, and that's why sports journalists are the only catalyst who are reaching to rural areas also. They are picking up some good stories related to unsung heroes, or maybe they are picking the talent of emerging players from rural areas, and they are bringing it to the society. So I feel yes, journalism is a very good option for those who want to make career in sports industry. This playing is one part, but and at the same time, what I feel says that like suppose Mahesh, he is say working in say as a sports journalist. But prior that, he must understand, he must study those, because over the years he may be studying each and every game. Once he has that knowledge, then only he will be able to write or make some comment, and that will be more studied comment which he will be able to contribute to society. So I think whoever is sports journalist, I think he's a sports person by heart. So that is why I feel yes, sports journalism is a very growing area, and yes, there are a lot many opportunities. But of course, we need a senior journalist like Mahesh to give such a message to our young people, budding people, and they must understand. They must take advantage of knowledge what he has experienced over the years. So I definitely feel that they are playing a bigger role in this society. Yes. For sure, ma'am. Actually, they are also the backbone of the sports field, because agar wohi nahi rahenge, and sports journalists are the main people who actually, chalo, agar ek player jo pehle se established hai, wo theek hai, par ek chote se bade tak leke jane wala bhi ek sports journalist hi hota hai. And sir, isi baat pe mera aapse ek aur sawal aa gaya hu main aapke paas. And my next question would be,
सर एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का जब गेम चल रहा होता है ऑन फील्ड, तब रोल क्या होता है? लाइक वहां पे एक स्केड्यूल होता रहेगा, आपकी भी एक जॉब होती है जहां पे आपको कवर करना होता है सब पूरी गेम एंड ऑल, तो वहां पे एक रोल क्या होता है सारा, एक रोल एज एन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऑन द फील्ड? पहली बात तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म जो है, अगर आप बाकी जो बीट्स है जर्नलिज्म में, जैसे कि कोई पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करता है, कोई क्राइम रिपोर्टिंग करता है, या कोई एजुकेशन के बारे में लिखता है, तो इसमें मैं सोचता हूँ कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म जो है ये थोड़ा अलग है और थोड़ा कठिन भी है उतना ही। उसमें चैलेंजेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। इसका रीज़न ये है कि बेसिकली अगर आप स्पोर्ट्स कवर करने चाहते हैं, कोई जर्नलिस्ट किसी मैच के लिए जाता है, स्टेडियम में जाता है या कहीं कोर्ट पे जाता है और वहाँ पे वो कवर करता है, तब उसे उस स्पोर्ट्स की जानकारी होनी ज़रूरी होती है। क्योंकि आपको एक स्कोरशीट आ गई और आपने उसको उसके ऊपर से न्यूज़ बना ली, ऐसे नहीं होता है। आपको उस स्पोर्ट्स के बारे में बेसिक जानकारी जो है वो होनी ज़रूरी होती है कि वो स्पोर्ट्स जो है कितने लोगों में खेला जा रहा है, उसके क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस क्या है, उसमें क्या नियम बनाए हुए हैं, वो खेल किस तरह से खेला जाता है, कितना उसका कितनी देर के लिए वो खेला जाता है, या प्लेयर्स के नाम क्या है उसमें जो खेल रहे हैं, ये सब उसकी बेसिक जानकारी जो है वो स्पोर्ट्स रिपोर्टर को होनी ज़रूरी होती है। जैसे कि आप अगर पॉलिटिकल रिपोर्टिंग देखें तो उसमें आपको जानकारी ठीक है, आप एक कुछ साल काम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन स्पोर्ट्स में अगर आपको स्पोर्ट्स की कोई जानकारी नहीं है तो आप उसमें कवर ही नहीं कर सकते। अगर किसी को ऐसे भेज दिया कि भाई जाओ और स्पोर्ट्स कवर करो, तो वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसको अगर उस स्पोर्ट्स के बारे में मालूम नहीं है तो वहाँ पे कवर करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कोई अगर ऐसा है कि वो जाए और पॉलिटिकल रिपोर्टर बन के जाए और वहाँ से कुछ प्रेस रिलीज लेके आए, तो उसके ऊपर से वो बना सकता है। शायद किसी ने कुछ अनाउंसमेंट कर दिया है, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उसने कुछ उसके अनाउंसमेंट की, तो उसकी प्रेस रिलीज के ऊपर से वो बना भी सकता है न्यूज़। लेकिन स्पोर्ट्स का वैसे नहीं है। स्पोर्ट्स की जानकारी आपको अगर है तो ही आप लिख सकते। बेसिकली अपने यहाँ पे इंडिया में ये होता है कि क्रिकेट के बारे में सबको जानकारी होती है। क्रिकेट के बारे में सब लोग बोलते हैं, उनको पता होता है बैट बॉल, उसके गेम रूल्स जो होते हैं वो बेसिक रूल्स मालूम होते हैं। लेकिन बाकी जो गेम्स है, जैसे कि बैडमिंटन हो, कबड्डी हो, या खो खो हो, बॉक्सिंग हो, ये जो खेल है इनके बेसिक रूल्स जो हैं वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होते। तो वो लोगों तक पहुंचाना कि बेसिकली कुछ बॉक्सिंग की हमने एक मेडल जीता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचनी चाहिए कि किस तरह से वो खेला गया गेम, किस तरह से वो उस खिलाड़ी ने वो गेम जीता या किस तरह से कंपटीशन जीती। तो ये जानकारी अगर वो रिपोर्टर खुद जानता है उसके बारे में, गेम के बारे में, तो ही वो लोगों तक वो पहुंचा सकता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो है उसको इस खेल की जानकारी पूरी होनी चाहिए, बेसिक जानकारी होनी चाहिए। वो स्पोर्ट्स लवर होना चाहिए, वो चाहे भले वो खेला नहीं हो कभी इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, या कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स जो खेला नहीं हो, लेकिन उसको जानकारी होनी जरूरी होती है। और दूसरी बात, सिर्फ अभी हम लोग देखते हैं कि कभी कभी कुछ प्रिंट मीडिया में हो या चैनल पे कुछ रिपोर्टर होते हैं जो क्रिकेट ही सिर्फ कवर करते हैं, कुछ है वो बैडमिंटन कवर करते हैं या कुछ हॉकी कवर करने में ज्यादा रुचि रखते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होने के नाते उसे लगभग सभी खेलों की जानकारी होनी जरूरी है, ताकि कभी भी उसको किसी स्पोर्ट्स कवर करने के लिए भेजा जाए। अगर वो कबड्डी कवर करता है लेकिन अचानक उसको भेजा जाए कि भाई तुम क्रिकेट आज कवर करो, क्रिकेट की मैच है आज इम्पोर्टेंट, वहां जाओ और कवर करो, तो उसको उस जा खेल की भी जानकारी होनी जरूरी है। एक तरीके से हम कहें कि वो ऑलराउंडर होना बहुत जरूरी होता है, ताकि वो अच्छी तरह से रिपोर्टिंग कर पाए और लोगों तक पूरी जानकारी जो है खेल के बारे में पहुंचा सके। थैंक यू सो मच फॉर दिस नॉलेज सर। मैम मेरे को यही पूछना था, जैसे अभी सर ने ऐसे बताया दैट एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का काम सिर्फ यही नहीं होता कि चलो आपको जो फेवरेट स्पोर्ट है जहाँ पे आपको रूल्स एंड रेगुलेशन पता है, आपको हर एक स्पोर्ट्स के बारे में वो नॉलेज होनी इम्पोर्टेंट है। और ऐसा भी नहीं है दैट एक कोई नई गेम आती है तो उसके ऊपर भी हमें स्टडी करना पड़ता है, नए रूल्स आते हैं वो भी हमें स्टडी करने पड़ते हैं। तो मैम आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू वन क्वेश्चन दैट दिस सीरीज विच वी आर मेकिंग अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स बट ऑल्सो डिफरेंट डिफरेंट वेज वी आर टेलिंग आवर ऑडियंस दैट दे कैन मेक करियर आउट ऑफ इट।
Ma'am, how you think that this series like is contributing in the field of sports journalism, not sports, but sports journalism, and how do you think that it will profit our youth, or maybe because we are covering all the small aspect also, like sir ne jaisa bhi bataya, I don't think so, sabko pata hoga. लोगों को अभी तक मेरे को भी मुझे भी शायद यही नॉलेज थी कि दैट यू नो एक स्पोर्ट्स होता है जहां पे आपको यू नो ज्यादा नॉलेज होती है तो आपको वही कवर करना पड़ता है. सो अब लाइक दिस सीरीज इज योर आइडिया मैम, सो आई वांट टू नो फ्रॉम योर ओपिनियन अबाउट इट. या एज फार एज यस व्हाट वी आर फीलिंग कि यस इट देयर्स अ वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स इज कंट्रीब्यूटिंग फॉर द for as a part of in the field of sports journalism because since last few episodes we have covered other many journalists in this series. So and Mahesh also spoke today about how sports and journalism is an important pillar of sports industry. So I feel this is with World of Series, we are just trying to create good knowledge. We are creating some information related to various aspects of sports or various factors of sports ecosystem. So yes, I feel it's an inspiration maybe those who want to do something different. It's like few people if they are working in say journalism, general journalism, means like any whatever print media, digital media, but specifically for sports media, who like sports and who are sports person by heart, because until and unless you don't have that passion to learn that sports, until and unless you have that passion to understand the rules regulation of that sports, you can't be a sports journalist. So that is a very much important thing. And yes, if I have some passion and if I have played something in my earlier days and I want to do something, and then I can, there is absolutely opportunity as a sports journalist. Secondly, what I want to say, as a sports person, you have limited career. There is uncertainty also. So you can't say like if you are doing a job in a company, so you have that job opportunity. So maybe up to 60 years. But a sports person is like even whatever this industry is there, they have a lot many challenges. There is much uncertainty. There is limited career because there are a lot many challenges related to your physical fitness, which even though you are winning, say after 40, 42, even though you are winning, you can't make it as a career. But after completion of that your career as a sports person, yes, there is availability because you know what you played and you can make best use of it, what you know, by writing good articles, by giving right information, by giving right messages. So I think this is the biggest role sports journalists are playing in the Indian sports industry. So I feel yes, with this we are creating a knowledge tank, as I said, and we are trying to give this message to our emerging players, even though they have some uncertainty, these are the things they can work post their career as a sports person. So this is relative to miss what I feel. It doesn't mean that everyone should have concurrence on that subject. It just are all my personal thought. But yes, I feel yes, this will be beneficial to emerging sports journalists. That is what I think. Ma'am, this is a very good idea, I think so, you know, because you have always been, an advisor, a mentor to all our audiences, because first this topic was not there also. We talked about, we
gave idea about different sports and now this topic. So maybe there is something that, you know, we can help our audience in that thing. And all credit goes to you and also our different you know, special guests which are coming and sharing their experiences. And coming back to not me, that is all to our guest speakers who are contributing for this sports event. That is their credit, I think so. But it actually, you know, it also goes to you also, because you are the one who has brought this idea, and that is why we can bring our speakers and they can share our experience. So you both people are, you know, are the inspiration for our youth and also for our audience. And coming back to sir, मैंने जब भी आपका introduction दिया एक assistant editor के हिसाब से, like, you know, you are there in a company, and मेरा first सवाल ये होता है सर, बहुत डिफरेंस होता है, यू नो, रिपोर्टर और असिस्टेंट एडिटर होने में. दो हमें पता है कि आप स्टार्ट में तो आप रिपोर्टर से ही हो, बट सर वो चैलेंजेस क्या होते रहेंगे, लाइक व्हेन यू वर्क इन डे टू डे लाइफ ऑफ अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और अभी तो आप असिस्टेंट एडिटर हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा होंगी एक नॉर्मल रिपोर्टर से भी. तो वो चैलेंजेस क्या होते हैं जो आप, यू नो, डे टू डे लाइफ में फेस करते हो? रिपोर्ट आपने कहा वो सही है कि जो भी जर्नलिस्ट शुरू करता है अपने करियर को, तभी वो एक रिपोर्टर होता है या सब एडिटर होता है. तो रिपोर्टर या सब एडिटर हो तो उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, ऐसे नहीं है, लेकिन उसकी एक लिमिटेड जिम्मेदारी होती है कि वो एक रिपोर्ट तैयार करे, जहाँ पे भी वो कवर करने जाए वो कवर करे, और फिर वो अपने सीनियर्स के पास आके वो रिपोर्ट दे दे या उसकी न्यूज बना दे. पहले ये होता था कि वो लिख के दिया करते थे, अभी तो सब कंप्यूटर पे हो जाता है. तो ऑपरेट करने के बाद वो अपनी फाइल जो है वो अपने सीनियर के पास दे दे कि मैंने आज की स्टोरी बना दी है. तो उसके ऊपर फिर कुछ ये हो जाता है कि उसमें सब करेक्शंस होते हैं, या जिस तरह से हमारी पॉलिसी होती है किसी चैनल की या किसी प्रिंट मीडिया की, कि इस तरह से हमारी न्यूज आनी चाहिए, तो उस तरह से वो बनाया जाता है. उसके लिए अलग एडिटर होते हैं, वो बना देते हैं. तो बाद में उसके ऊपर जो सीनियर्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि ये ठीक तरह से पब्लिश हो रहा है या नहीं, हमारी जिस तरह से पॉलिसी है उस तरीके से न्यूज जा रही है या नहीं जा रही है, उसमें कुछ गलतियां हैं, वो गलतियों पर ध्यान रखना, रिपोर्टर को इस तरह से बता देना कि तुमने ये न्यूज तो बना दी थी लेकिन उसमें ये गलतियां थी, ये गलतियां सुधार के आपको इस तरह से न्यूज बनानी जरूरी होगी, या आपके अगर न्यूज में किसी के कोट आपने लिए नहीं है, उसको एक ऑथेंटिक न्यूज नहीं बनाया है, तो वो बनाने की जरूरत होती है. तो ये सब देखना जो सीनियर एडिटर जो होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, असिस्टेंट एडिटर हो या और भी ऊपर के जो एडिटर होते हैं उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो सब ध्यान रखे कि जो जिस तरह से हमारी न्यूज आनी जरूरी है, और ऑल ओवर जो घटनाएं घट रही हैं आजू बाजू में उनके ऊपर ध्यान रखना कि ये जो घटना ये अपने पेपर में आए, ये अपने चैनल पे आए, ये अपने वेबसाइट पे दिखे या इसके बारे में चर्चा हो, तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है. और इसके लिए रोजमर्रा जो इसमें एक मीटिंग लेने की जरूरत होती है, जैसे कि सुबह एक मीटिंग हो जाए सभी रिपोर्टर्स की, या सभी जो भी काम करने वाले सब एक साथ आएंगे, वो रिपोर्टर लेंगे एक मीटिंग लेंगे, उसमें वो बताएंगे कि क्या आज की न्यूज है, हमारे पास क्या है, हम लोग क्या करने वाले हैं, किस न्यूज का फॉलोअप लेने वाले हैं, कौन सी न्यूज पर हमारा ध्यान होगा, ये सब उनको बताना पड़ता है. असिस्टेंट एडिटर जो होगा वो सब ये सुनेगा, उसके साथ शायद उनके एडिटर भी हो सकते हैं उस मीटिंग में, तो ये सब उनकी जानकारी उनको देनी पड़ती है. उसके बाद वो असिस्टेंट एडिटर हो या एडिटर हो वो उनको बता दे कि हम लोग को आज इस न्यूज पर ज्यादा ध्यान देना होगा कि ये आज इम्पोर्टेंट न्यूज है, पॉलिटिकल हो या क्राइम की हो या कुछ भी हो, तो ये न्यूज पर हमको ध्यान देना है. इसके शायद एक ही न्यूज ना बने, इसके और दो तीन एंगल से हमको न्यूज बनानी पड़ेगी, ये सब उनको बताना पड़ता है. जैसे कि समझ लीजिए कि आज वर्ल्ड कप, अभी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के बारे में अगर सोचा जाए तो समझ लीजिए कि आज वर्ल्ड कप का फाइनल है, और आज वर्ल्ड कप का फाइनल है, 10 बजे तक उसकी रिजल्ट आने वाली है, तो हम लोग को उस तरीके से तैयार होना पड़ता है कि रिजल्ट आने के बाद हम लोग को एक तो मेन न्यूज बनानी पड़ेगी कि जो जिसमें कौन जीता है कौन हारा है क्या स्कोर हुआ है, वो सब तो हमको देना पड़ेगा, लेकिन उस पूरे मैच के दौरान जो भी कुछ घटनाएं घटी हैं
कुछ गलतियां हो गई होंगी, किसी टीम के टीम ने की होगी या किसी अंपायर ने गलती की होगी या कुछ रूल्स के बारे में किसी को पता नहीं चला होगा ये क्यों हो गया, रूल्स तो ये था लेकिन ये किस तरह से हो गया, तो उसके बारे में उसके ऊपर ध्यान रखना एक जरूरी होता है। तो अलग हटके उस मैच का जो एक मेन रिपोर्ट है उससे उससे हटके कुछ हमको दो तीन स्टोरीज भी देनी होगी। कोई प्लेयर समझ लीजिए कि जिसने सेंचुरी बनाई और उसके वजह से वो मैच जीत लिया और उसकी शायद वो पहली सेंचुरी थी, तो हम लोग को एक स्टोरी ऐसे बनानी होगी कि वर्ल्ड कप का फाइनल और ये जो प्लेयर है जिसने अपना एक पहली बार खेल रहा था वर्ल्ड कप में और वर्ल्ड कप की फाइनल भी उसकी पहली थी, तो उसने एक सेंचुरी बना ली, तो उसके करियर के ऊपर हम लोग उसका करियर ग्राफ लोगों के सामने रखेंगे कि ये देखिए कि ये किस तरह से खेलते हुए वर्ल्ड कप तक पहुंचा, आज उसने सेंचुरी बना ली और एक तरह से उस टीम के सक्सेस में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो ऐसे अलग अलग स्टोरीज के ऊपर ध्यान रखना होता है, तो ये सब मीटिंग में डिस्कस होता है कि आज ये इम्पोर्टेंट घटना होने वाली है या हो चुकी है कल, तो आज इसके ऊपर समझ लीजिए कोर्ट का मामला है तो आज एक सुनवाई होने वाली है और उसमें से कुछ रिजल्ट कोर्ट देगा, उसके ऊपर भी हम लोग को एक स्टोरी बनानी होगी, अलग अलग दो तीन स्टोरियां बनानी होंगी, तो ये सब हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। और मैं तो ये कहूंगा कि जो रिपोर्टर इसे फाइनल कवर करने जाता है, समझ लीजिए कि मुंबई में वर्ल्ड कप का फाइनल है और वहां पे आप कवर करने जाते हैं, तो एक रिपोर्टर अगर होगा वो कवर करने के लिए तो उसको बहुत सारी जिम्मेदारियों का ख्याल रखना पड़ता है। उसको मेन तो न्यूज देनी पड़ती है, उसके साथ कुछ अलग, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि कुछ अलग घटनाएं उस मैच में घटी तो उसके बारे में भी उसको तुरंत देना पड़ता है। तो ये सब 11th आवर में सब करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि 10 बजे अगर मैच खत्म होती है, पेपर अभी छपने के लिए जाने वाला है 11 बजे तक, तो एक समझ लीजिए कि आधे घंटे का पौना घंटे का समय है आपके पास, उसमें आपको दो तीन न्यूज बनानी है और वो भी ठीक तरह से, उसमें कुछ करेक्शन नहीं होने चाहिए ज्यादा, लेकिन जिस तरह का हमारा एक फॉर्मेट होता है न्यूज बनाने का उसमें वो फॉर्मेट में रखते हुए उस न्यूज को बनाना है, तो उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है क्योंकि मैच भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो घटना बहुत इंपॉर्टेंट है और दो तीन न्यूज जानी भी जरूरी है, तो ये सब करना उसके सामने जो चैलेंज होता है उसको चैलेंज करना पड़ता है। और ये सब डिस्कस जो है ये मीटिंग में होता है और असिस्टेंट एडिटर का ये काम है कि उसको ये सब ध्यान में रखना पड़ता है कि ये सब किया गया रिपोर्टर के तरफ से, उसने सब न्यूज दी है, वो सब छप के आई है, ठीक तरह से उसका प्रेजेंटेशन हो गया न्यूज का, या अगर समझ लीजिए उसके ऊपर वीडियो बना तो वीडियो में सब मुद्दे आ गए, तो वीडियो में सब मुद्दे ठीक तरह से लिए हैं, लोगों को किस तरह से पसंद आ रहा है, उसका बाद में रिव्यू भी लिया जाएगा कि आपने जो भी न्यूज दी उसको किस तरह का रिस्पॉन्स मिला, वो रिस्पॉन्स के बाद समझ लीजिए कि उसको रिस्पॉन्स से नहीं मिला तो आपको आपका एंगल बदलना पड़ेगा, आपको ये न्यूज इस तरह से लिखेंगे तो उसको लोगों का रिस्पॉन्स मिलेगा, इस तरह से वीडियो बनाया गया तो उसको रिस्पॉन्स मिलेगा, ये सब उनको बताना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए फिर असिस्टेंट एडिटर या उसके ऊपर के जो एडिटर होंगे उनकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आफ्टरऑल उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, वो ठीक तरह से उनको बता पाते। तो सर मेरा सिर्फ जाने से पहले लाइक आई हैव ऑलरेडी टुक अ लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम यू, तो मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन रहेगा फॉर श्योर दैट अगर मैं आपको एक वन वर्ड आंसर बोलने बोलूं दैट इधर चूज आपका फेवरेट कौन सा है, असिस्टेंट एडिटर और जर्नलिस्ट लाइक रिपोर्टर, नॉर्मल रिपोर्टर, अगर मैं दो ऑप्शन दू वन आंसर फेवरेट। देखिए ऐसे तो एक्चुअली ये सब जिम्मेदारी एक्चुअली असिस्टेंट एडिटर जो है वो रिपोर्टर का जो अनुभव है बहुत सालों का, समझ लीजिए कि 10-15 साल हम लोग काम करने के बाद उसमें अगर सचमुच कुछ क्वालिटीज हैं तो ऊपर के पोस्ट तक पहुंच पाता है, नहीं तो पहुंच पाना मुश्किल होता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि दोनों भी पोस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट ही है उसके लिए, क्योंकि उनका काम ही पूरी तरह से अलग है। रिपोर्टर जो है वो असिस्टेंट एडिटर जाके रोज रिपोर्टिंग नहीं कर सकता, या रिपोर्टर रोज असिस्टेंट एडिटर के कुर्सी पर बैठ के काम नहीं कर सकता, तो दोनों भी जो पोस्ट है वो उतनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हर मौके पे उसको काम जो है वो उसी तरह का करना हुआ, दोनों के लिए चैलेंजेस जो है वो सेम ही होते हैं। सो इन शॉर्ट मुझे आपका आंसर पता चल गया, असिस्टेंट एडिटर आपका फेवरेट है। चलो ऐसे ही मैं ऑडियंस को यू नो बोलना चाहूंगा दैट टुडेज एपिसोड आई थिंक सो यू हैव लर्न्ड अ लॉट, एंड जो डिटेल्स हमें आज पता चली आई डोंट थिंक सो आपको पास सीरीज में भी पता चली होगी, एंड आई होप दैट यू नो इफ समबडी हु इज इंटरेस्टेड इन दिस एंड हु वांट्स टू मेक अ करियर आउट ऑफ इट
एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल आर ऑडियंसेस. ऐसे ही आप लोग यू नो ये एक्सपीरियंस लो एंड महेश सर जैसे असिस्टेंट एडिटर एडिटर बने एंड फिर हम उन्हें भी यू नो गेस्ट के हिसाब से हमारे क्या पता आगे जाके कोई हमारा ऑडियंस ही हमारे गेस्ट बन गया है. एंड इसी के साथ सर मैं विदा लेता हूँ एंड थैंक यू सो मच दैट यू केम एंड यू गेव योर टाइम एंड थैंक यू सो मच सुप्रिया मैम. एंड बिफोर गोइंग मैम यू कैन यू नो थैंक आवर गेस्ट एंड देन वी विल एंड द एपिसोड. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू महेश जी. एंड यस दिस वाज वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस बिकॉज़ यू हैव शेयर्ड योर जर्नी ऑफ मेनी इयर्स इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन. सो नाइस टू हर्ड अबाउट दैट. नाइस टू हियर about your journey and thanks for sparing this time with Sports Media. Thank you so much. Thank you very much. आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मौका दिया बोलने का. धन्यवाद. Okay, so people, now it's time to sign off and same way signing off. Vishal Kapadia, take care. Thank you so much. Bye. Have a good day. Thank you.